उम्मीद करता हूँ आप खैर वाकिफ होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हज़ार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एपिजन। लीजिए दोस्तों, आज मेरे हाथ में मेरे नीची वाले कबूतरों में से फेवरेट कबूतर जो है ना, उनमें से एक कबूतर है। ये सैयद सलमान गिलानी के घर का कबूतर है और ग्रांटेड उन्हीं के घर का कबूतर है ये। और इन्हीं कबूतरों को देख के लगता है कि भाई ये वाकई वो कबूतर हैं जिनसे कबूतरबाजी शुरू होती है। ये देखिए, इसे उम्र रसीदा कबूतर है ये देखिए, और कबूतर की बनावट चेक करें। ये देखिए, जैसे कोई 10 पर साफ नया नया पट्ठा होता है, ऐसी बनावट है अभी भी इस कबूतर की। कबूतर ने मेंटेन रखा हुआ। ये 8 से 9 साल से मेरे उस्ताद जी के पास कबूतर था, और उस 8-9 साल में से अब मेरे ख्याल से कोई 3रा साल मेरे पास भी है इस कबूतर को। ये सैयद सलमान गिलानी के जो शागिर्द हैं इमरान बादल, उनके घर से डायरेक्ट कबूतर आया हुआ। और इस कबूतर की खासियत पता क्या है, जिस मादी के साथ भी लगाया बच्चा शाम ही बैठा है। यहाँ पे इसका एक पट्ठा मेरे पास मौजूद था कल दुम्बा गालबन, वो छोटा भाई नीचे लेके गया हुआ है जोड़ा लगाने के लिए। और उसके बाद अब फिर एक लाखा बचा है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त उड़ रहा है। वो 10 पर साफ ऊपर छोड़ा हुआ है। इस सीज़न अब आने वाले जेठ में वो इंशाल्लाह बाजियों में भी उड़ेगा। फिर अभी इसके 2 बच्चे निकले हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ले आपको कबूतर का शौक करवाता हूँ। और देखिए, ऐसे कबूतर होते हैं जो नस्लें बनाते हैं बेसिकली। ये देखें कबूतर की आंख, देखें कबूतर असल में पकड़ता नहीं ना होता, कबूतर काफी ज्यादा तंग होते हैं जब मैं उन्हें पकड़ता हूँ। ये चेक करें कबूतर की बगल का और ओवरऑल कुंदे का शौक है। ये देखें, बहुत जबरदस्त कुंदा है, बड़ी लेवल में तीली भी है इसकी। ये देखें, ये देखें, बहुत जबरदस्त कुंदा, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, पूंछ को कुछ भी निकाल रहा, ये जोर लगा रहा तब भी यहीं पे खुली हुई है, मैक्सिमम खुली हुई है इसके जोर लगाने पर भी। दूर ये 7 नंबर उस्ताद जी का ही जोड़ा था, तो उसकी कड़ी मादी इसकी मर गई थी तो नाल मैं ले आया था। भाईजान, ये वो कबूतर है भाईजान, मेरे उस्ताद जी ने मुझे कहा था बेटा सारे कबूतर मेरे पास से जो लेके जा रहे हैं ना, अगर कोई तेरे से मांगे दे भी दें, कोई ऐसा मसला नहीं, कबूतरों से अच्छे दोस्त नहीं होते। लेकिन ये वो कबूतर जो उस्ताद जी ने कहा था कि ये बेटा कोई मांगे भी तो नहीं देना, कबूतर मर भी जाए तो तब भी बाहर नहीं फेंकना तूने। तो उस्ताद जी की बात पे बिल्कुल कायम है, कबूतर बिल्कुल नहीं हम लोग बाहर फेंकेंगे। ये अंडे बच्चे करे ना करे, अभी तो फिलहाल कर रहा है, ना भी करेगा तो ये हमारे पास ही रहेगा। ये पीछे कॉर्नर में इसी कबूतर के पीछे 2 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी के बच्चे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका शौक भी करवाऊंगा।